नरेंद्र मोदी लड़ेंगे वाराणसी से चुनाव और बनारस से मोदी को मैदान में उतारकर बीजेपी ने एक बड़ा चुनावी दांव खेला है। एक वाराणसी से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों को मोदीमय करने का तीर छोड़ा है। काशी नगरी के लोग तो मोदी नाम का भांग पीकर होली से पहले ही मस्त हैं, लेकिन क्या पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे बिहार में बीजेपी मोदी लहर को सीटों में तब्दील कर पाएगी? बिछ गई है 2014 की चुनावी महासंग्राम की बिसात। बीजेपी ने यूपी के जरिए दिल्ली हासिल करने की चल दी है चाल। बीजेपी ने यूपी की सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला लेने में लंबा वक्त लिया, लेकिन जब सूची सामने आई तो साफ दिख रहा है कि ये सिर्फ उम्मीदवारों का ऐलान नहीं था बल्कि चुनावी रणनीति की सबसे सशक्त चाल भी थी। बीजेपी ने मोदी को वाराणसी सीट से उम्मीदवार बनाया तो मौजूदा सांसद मुरली मनोहर जोशी का भी इंतजाम कर दिया। मुरली मनोहर जोशी कानपुर से चुनाव लड़ेंगे, कलराज मिश्र देवरिया से चुनाव लड़ेंगे तो खुद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ से बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कल जारी हुई बीजेपी उम्मीदवारों की सूची में उमा भारती, मेनका गांधी, वरुण गांधी समेत यूपी की कुल 53 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, लेकिन उसमें सबसे जबरदस्त चुनावी चाल है काशी से मोदी की उम्मीदवारी। यूपी की 80 सीटों और बिहार की 40 सीटों को साधने के लिए वाराणसी से मुफीद सीट कोई और नहीं थी, इसलिए बीजेपी ने जोशी के गुस्से का इंतजाम किया, काशी के कलह को जल्द खत्म किया और मोदी को वाराणसी का उम्मीदवार बना दिया। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी का दावा है कि 2014 में बीजेपी यूपी बिहार में ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। पश्चिम में तो उनका असर रहा है, लेकिन यहाँ से लड़ने का बहुत फायदा होगा और उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें हम इस बार कभी नहीं जीते उससे ज्यादा सीट जीतेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता खुशियां मनाने में डूबे हैं तो उधर कांग्रेस के नेता बीजेपी की जड़ें खोदने में। काशी से मोदी की जिस उम्मीदवारी को बीजेपी सबसे बड़ी चुनावी रणनीति मान रही है उसे ही कांग्रेस नेता खारिज कर रहे हैं। तो हम लोगों को तो पता है, इसमें कोई नई बात ही नहीं है और पहले से हम लोग माइंड मेकअप किए हैं कि बनारस में मोदी से मुकाबला है तो मुकाबला करेंगे। कांग्रेसियों को मोदी फूटी कौड़ी नहीं सुहाते और योग गुरु बाबा रामदेव को कांग्रेसी। इधर मोदी की सीट का ऐलान हुआ और योग गुरु रामदेव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योग गुरु ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी को चुनाव से पहले ही देश ने पीएम मान लिया है। कांग्रेस चुनाव के बाद इतिहास बनकर रह जाएगी और मोदी का विजय रथ कोई नहीं रोक पाएगा। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा और अदिति के साथ आमिर हक, लखनऊ आज तक।